रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबरों का। बड़ी खबर शिमला से, चौधरी चंद्र कुमार बने प्रोटेम स्पीकर। हिमाचल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने चौधरी चंद्र कुमार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चौधरी चंद्र की ओर से दरअसल अब शपथ ले ली गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। चौधरी चंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं, हिमाचल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं चौधरी चंद्र कुमार। और इस दौरान आपको हालांकि ये भी बता दें कि सीएम सुखविंदर सुक्खू ने भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन चूंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी कोरोना पॉजिटिव है और 3 दिन के लिए क्वारंटीन है, इसी वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। लेकिन चौधरी चंद्र कुमार अब प्रोटेम स्पीकर हिमाचल विधानसभा के बन गए हैं। महामहिम गवर्नर साहब ने जो है वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में मुझे शपथ ग्रहण की है और बड़ी जल्दी ही जो है वो हमारा अगला कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। हमारे साथ आज ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री अग्निहोत्री जी और जितने हमारे विभाग के पदाधिकारी गण हैं और जितने हमारे ऑनरेबल एमएलए जहाँ पहुँचे हैं इस वो सेरेमनी में, और क्योंकि आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने आना था लेकिन बीच में वो कोरोना की संक्रमण की वजह से वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा सके। और अभी हमने ये जो वो सेरेमनी है उसको हमने स्थगित किया है। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो हम दोबारा जो है वो आप लोगों को अगली डेट देंगे जिसमें हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ असेंबलीज जो हैं वो ओथ लेंगे और उसी के बाद अगली प्रक्रिया जो है उसको हम शुरू करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और यहाँ पर पहुँचे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप ठाकुर हमारे साथ शिमला ब्यूरो फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, प्रोटेम स्पीकर के रूप में चौधरी चंद्र कुमार की ओर से शपथ ले ली गई है, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, उनके बारे में कुछ बताएं। प्रोटेम स्पीकर अब वो बने हैं और आगे को के सेशन को लेकर या बाकी जो आगे शपथ ग्रहण होनी है सब को लेकर क्या जानकारी फिलहाल दी गई है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए कांगड़ा जिला जो एक बड़ा जिला है वहां से चौधरी चंद्र कुमार विधायक बनकर आए हैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से, और सीनियर मोस्ट के सबसे कांग्रेस पार्टी में एमएलए हैं, यानी सबसे सीनियर विधायक के तौर पर इस वक्त हैं। तो जो प्रोटेम स्पीकर के लिए जब चयन होता है उसमें यही चीज देखी जाती है कि सबसे सीनियर कौन होता है, क्योंकि ये एक अस्थायी हम कह सकते हैं कुछ देर के लिए कुछ समय के लिए ये नियुक्ति होती है। तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जब ये बाकी जो विधायक हैं जब भी अगला सत्र जब भी होगा विधानसभा का सत्र उस वक्त ये शपथ दिलाएंगे, उससे पहले इन्हें भी शपथ दिलाई जाती है। और आज जो है राजभवन में इनको शपथ दिलाई गई है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसमें हिस्सा लेना था लेकिन कोविड पॉजिटिव होने की वजह से वो शिमला नहीं आ पाए। उनके दौरे की वजह से ही इनके समय में भी बदलाव किया गया था। पहले 11 बजे आज सुबह शपथ का कार्यक्रम था लेकिन जब ये जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लेना है तो फिर 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव आ गए, कोरोना पॉजिटिव आ गए, इस वजह से बिना मुख्यमंत्री जो है उनकी उपस्थिति में ये शपथ हुई है। और अब जो अगला सत्र होगा जो पहले 22 से 24 तक प्रस्तावित था लेकिन अब क्योंकि स्थितियां बदलनी है तो कब वो सत्र होता है तो तब तक ये स्पीकर के तौर पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे। और जब अगला स्पीकर बनेगा, जब चुनाव होगा, जब भी सत्र होता है उस वक्त जब चुनाव होगा उसके बाद जो है ये इनकी जिम्मेदारियों का जो है वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन तब तक ये स्पीकर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाते रहेंगे, उनका निर्वहन करते रहेंगे। पूरा प्रोटोकॉल जो स्पीकर का होता है वो इनको मिलेगा जब तक अगला स्पीकर नहीं बनता है। तो आज ये शपथ ग्रहण हुआ है, हालांकि अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री कब स्वस्थ होते हैं और उसके बाद शीतकालीन सत्र की तिथियां तय होती हैं और फिर जब वहां पर पहला दिन यानी शपथ दिलाने का होगा वो प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाएंगे सभी विधायकों को, नवनिर्वाचित विधायकों को जी।
और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी चुनाव की वो भी इनकी देखरेख में होनी है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन प्रदीप, अभी जो विधायकों का शपथ ग्रहण था जो 22 तारीख को होना था, क्या उसमें बदलाव की कोई जानकारी अभी तक? देखिए, अभी तक जानकारी सिर्फ ये है कि 22 से 24 तक का जो शीतकालीन सत्र होना था धर्मशाला के तपोवन में, वो स्थगित हो चुका है। लेकिन अगली तिथियां अभी तक तय नहीं हुई है, उसमें सारी चीजें देखी जाएंगी। मुख्यमंत्री जब स्वस्थ होते हैं फिर उनसे राय ली जाएगी, और उसके बाद राजभवन की तरफ से भी राज्यपाल की व्यस्तता क्या रहती है, उसकी उपलब्धता क्या क्या रहती है, कब वो उपलब्ध रह सकते हैं शीतकालीन सत्र के लिए, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद ही अगली तारीखें तय होंगी, अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। स्थगन की सिर्फ सूचना अब तक आई है, यानी कि आगे की तारीखें अभी तय होनी है कि आगे अब विधानसभा सत्र होगा शीतकालीन सत्र, तो वो कब होगा। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज आपको बता रहे, चौधरी चंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है।